मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। जनपद आजमगढ़ की अतरौलिया थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व दो पक्षों में मारपीट हुई। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। वहीं आज पुलिस को सूचना मिली कि दोनों पक्षों में झगड़ा होने की पुनः संभावना है। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां थाना प्रभारी अतरौलिया और उनकी टीम पर गांव के कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया, जिसमें थाना प्रभारी की गाड़ी का शीशा टूटा है, क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर जिले के आला अधिकारी पहुंचे, जहां फोर्स तैनात किया गया है। बता दें कि आजमगढ़ जिले की अतरौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत वैसपुर गांव का निवासी युवक में आरोप है कि वह रास्ते में खड़ा हो दूसरे पक्ष का युवक बाबलू सिंह उसके ऊपर वाहन चढ़ा दिया। जब विरोध किया तो उन लोगों ने उसे मारा पीटा। वही उसकी चचेरी बहन मदद करने पहुंची तो उसे खींचकर मारपीट कर घायल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप भी है कि उसके द्वारा साथ दुर्व्यवहार किया गया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने के चलते ग्रामीण आज आक्रोशित हो गए। हालांकि पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बात की पुलिस की सूचना मिली कि आज दो पक्षों में मारपीट होने की संभावना है, पहुंची पुलिस पर ही लोगों ने हमला बोल दिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग यार ने बताया कि थाना अतरौलिया अंतर्गत बैसपुर गांव में 26 नवंबर को राजू निषाद और अरुण सिंह के मध्य मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से उसी दिन FIR दर्ज की गई थी। एक पक्ष की तरफ से राजू निषाद की तहरीर पर IPC के तहत श्याम कुमार सिंह व इनके 3 पुत्रों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज की गई थी, तो वही दूसरे पक्षों के प्रति भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 6 लोग नामजद थे। आज पुलिस को सूचना मिली कि दोनों पक्षों में झगड़ा होने की पुनः संभावना है। पुलिस मौके पर पहुंची, थाना प्रभारी अतरौलिया और उनकी टीम के ऊपर गांव के कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया, जिसमें थाना प्रभारी की गाड़ी का शीशा टूटा है, क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर एडिशनल SP, CO और सर्किल की फोर्स पहुंची। बताया गया कि मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण है, सभी पक्षों से वार्ता की जा रही है, तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले में घायल के परिजन और ग्रामीण और साथ ही पुलिस अधीक्षक अनुराग यारे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। थाना अतरौलिया अंतर्गत वैसपुर गांव में 26 नवंबर को राजू निषाद पुत्र हीरा निषाद और अरुण सिंह पुत्र श्याम कुंवर सिंह के मध्य मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से FIR उसी दिन दर्ज की गई थी। एक पक्ष की तरफ से राजू निषाद की तहरीर पर 388/23 धारा 323, 504, 506, 342 IPC की FIR श्याम कुंवर सिंह और 3 इनके पुत्रों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। दूसरे पक्ष की तहरीर पर 387/23 धारा 323, 452, 504, 506, 34 IPC श्याम कुंवर सिंह की तरफ से 6 नामजद लोगों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि दोनों पक्षों में झगड़ा होने की पुनः संभावना है। पुलिस मौके पर पहुंची, थाना प्रभारी अतरौलिया और उनकी टीम के ऊपर गांव के कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें जो थाना प्रभारी की गाड़ी है उसका शीशा टूटा है, क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर एडिशनल SP, CO और सर्कल की फोर्स भेजी गई है। मौके पर स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है, सभी पक्षों से वार्ता की जा रही है, तहरीर प्राप्त करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नाम भैया आपका? चंदन। क्या मामला हुआ था, क्या हुआ था, पूरी घटना शुरू से बताइए। सर हुआ इतना ही था, मैं रोड के सामने खड़ा था, अब श्याम कुमार का बेटा है बबलू सिंह, मेरे लाके मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया 2 चक्के से। उसके बाद मैंने कहा ऐसा क्यों करे, साइड से जाओ, तो गाली देने लगा। उसके पिता आए, कहे लाओ मारो इसे लाठी से। अब लाठी ला के मुझे भी मार दिए, मुझे ले जाके घर में बंद कर दिए। अब मेरी चाचा की बेटी थी तो मुझे खोलने आई, अब उसे ले जाके घर में बहुत मारे हैं, उसकी इतनी समय कंडीशन बहुत खराब है जी। तो पुलिस ने FIR भी दोनों तरफ किया था, क्या आज क्या हुआ ये बताइए। आज सर क्या हुआ, आज हम लोग सदर में थे, वहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ पर सिर्फ चेहरे का मेडिकल कर रहे थे चेकअप, और जहाँ पे मेन चोट लगी है पेट में वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आज क्या हुआ, आज ये मतलब पुलिस भी आई, आप लोगों ने पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? सर ने कहा हम निष्पक्षता से मतलब आपका सहयोग करेंगे और दोषियों को मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या मांग है आपकी मांग क्या है? सर हमें न्याय चाहिए, लड़की के साथ है जो गलत हुआ है, हमें न्याय चाहिए। कौन कौन मारा था, क्या क्या उसका नाम बता सकते हैं आप? एक का नाम संचित सिंह था, और बबलू सिंह, और पप्पू सिंह, और नाम चाची आपका? मीरा। कहाँ घर है आपका? ओडिशापुर। क्या हुआ है इसके बारे में? इसके बारे में मारपीट भइल है, लड़की खींच के घर में से ले जाए के लोग घर में 2 घंटा बंद कहने, और करे साथे कवन चीज कही ना का कही ना कि अभी तक ले लड़की जिंदगी मऊ से झूलत है, और लड़के इतनी बार देखा बस खारी लेके भागल हमें सब, अब बेहोश भई।
आज आयल है आजमगढ़ से छुट्टी करा के, न थाना कुछ कैल है, न जवन है जिला पे क्या कुछ कैल है, ओकर कतो सुनवाइये ना, और गरीबे के साथे यह हो अन्याय आई कुछ भी। क्या चाहती हैं? क्या नाम बेटा? अशोक निषाद। कहाँ घर है आपका? वैसपुर। क्या हुआ आज, क्या घटना घटी इसके बारे में बताओ। आज सर आज की नहीं बता सकते थे, लेकिन पहले दिन की बात बता सकते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ था? रविवार को दोपहर में 11 बजे बात हुई थी, मेरे पास भी फोन आया था। तो क्या बात हुई, लड़की को यहाँ जबरदस्ती यहाँ पे टांगी के पास से मारे हैं, और टांगी से मारने जा रहे थे गले काटने के लिए, लेकिन टांगी उलट गई तो उसका गला नहीं कटा, वो तुरंत बेहोश हो गई, उसे घर में लेके गए, घर में उसके साथ गलत गलत काम किए, और एक लड़का था उसे दूसरे रूम में बंद कर दिए, और ये लोग छत पे चढ़ के ईंट पत्थर की बारिश कर रहे थे, किसी बहुत महिलाओं को चोट लगी, बहुत औरतों को चोट लगी, लड़कियों को भी चोट लगी। फिर इसके बाद यहाँ से छोड़िए, हम लोग इतना अतरौलिया थाना पुलिस सबको फोन किए, कोई कुछ नहीं सुना, और फिर ये लोग फोन किए, तुरंत पुलिस आई है, और लड़की को इतनी चोट लगी है, इतना खून गिरा है, उसे एम्बुलेंस में नहीं ले गए ना, उसे कुछ कोई निजी गाड़ी में ले गए, उसे पुलिस की गाड़ी में लेके गए, 2 घंटे अतरौलिया थाना में बैठाए थे। कोई थाना में चाची आपका? नीलम। नीलम कहाँ घर है? कहाँ हुआ आज, कहाँ हुआ बताओ? आज हुआ है, हमारी लड़की का रेप हुआ है। हाँ, सब 4 जने मिलकर किए हैं, हाँ खींच कर घर में किए हैं। हम लोग मजदूर आदमी है, काम कर रहे थे, किसानी काम कर रहे थे, हमारी लड़की घर पर धान पीट रही थी, मार झगड़ा अपने में किए थे, हमारी लड़की को हिंच कर हमारे घर में रेप किए हैं, उसको जांग काट दिए, उसकी छाती काट दिए हैं, घर में बंद किए थे, हमारी लड़की के साथ ही है, हमको इंसाफ चाहिए। आज पुलिस आई है, क्या कुछ कही है आप लोगों को? बोल रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, हमको तो विश्वास नहीं है साहब। हाँ, पुलिस को पर विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास है एकदम ना। लड़की को जब चोट लगी थी ना, तो न लेडीज आई लेने के लिए, न कुछ, जींस लेकर गाड़ी में से उसको लेकर गए थाना पे, 4 दिन तक कर रखे थे, कोई सुनवाई भी नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। क्या अभी अभी क्या अभी आप लोग क्या, कितने दिन का समय, क्या है मामला, आप मांगे क्या है? आप मांगे आई है इंसाफ के बदला, इंसाफ चाहिए, इंसाफ के चाहिए, फांसी चाहिए, उसका घर द्वार हमारे गांव से निशान बस्ती कर दीजिए इसकी, यहाँ से, यहाँ कोई जरूरी नहीं हमारी जात में रहने के लिए।